चलिए सीधे बड़ी खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर सांसद दुष्यंत सिंह, भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, विधायक कल्पना देवी, चंद्रकांता मेघवाल, संदीप शर्मा सहित पार्टी नेताओं ने उनकी अगवानी की स्वागत किया। कोटा में अब पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मीटिंग जेपी नड्डा लेने वाले हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे मेवाड़, वागड़ और फिर मारवाड़ में पहुंचकर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संगठनात्मक बैठकें तो ली, लेकिन साथ ही साथ सभी की जुबान पर वही बात है, एक ही बात। पहली सूची के बाद जो डैमेज हुआ, उस डैमेज कंट्रोल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे से बेहतर और कौन चेहरा हो सकता है, क्योंकि शालीन है, सरल है। लोगों के बीच जब पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं के सामने जाकर जब वो उनके साथ हाथ मिलाते हैं, उनके सामने मुस्कुराते हैं, तो आधी चीजें, आधे गिले शिकवे तो मेरे ख्याल में तभी कम हो जाते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि दूसरी सूची आने वाली है, दूसरी सूची आने से पहले अब एक बार फिर से, क्योंकि कोटा संभाग में अब तक किसी भी विधानसभा सीट पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं हुआ है, सुबुगाहट हालांकि जारी है अलग अलग सीट्स पर, लेकिन कोटा की सियासी नब्ज टटोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य से क्या माहौल बन रहा है। और अगर देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जो 41 नामों की सूची थी, उस नामों से इतर उसमें 29 नए नामों की जगह थी, लेकिन इस सूची में सेफ साइट कितना भारतीय जनता पार्टी रख पाती है, उस सेफ साइट को कितना मेंटेन कर पाती है। पहली सूची जैसी ब्रेव सूची इस बार नहीं होगी, इस बार संभावित सूची होगी, लेकिन संभावित सूची में भी अगर कोई उलटफेर, कोई फेरबदल किया जाता है, तो उसके लिए कार्यकर्ताओं को पहले से मेंटली प्रिपेयर करना होगा। और वो मेंटली प्रिपेयर कौन करेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व, कर्तव्य और जिम्मेदारी सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, खासतौर पर राजस्थान जैसे पूर्ण रूप से एक बड़े राज्य में। कांग्रेस लगातार अपनी योजनाओं के जरिए जनता के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बार बार कह रही है कि जो रिपीट होने का दावा है वो फेल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन दावों से इतर सबसे बड़ी बात अब यही है, क्योंकि सीसी की बैठक इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की रखी गई है कल के लिए। लेकिन अब हमारे साथ सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, 4 से 5 बार दौरा बना जेपी नड्डा का, लेकिन दौरा उस समय संभावित कारणों की वजह से कैंसिल हुआ, लेकिन अब जब पहुंचे हैं तो ये मानकर चल रहे हैं कि जो सूची है उसके लिए मेंटली कार्यकर्ताओं को प्रिपेयर भी करेंगे और साथ ही साथ उनकी नब्ज भी टटोलने की कोशिश करेंगे कि माहौल कैसा है, क्या परेशानियां हैं, चैलेंजेस क्या है, पूरी एक सूची बन जाएगी। कार्यकर्ताओं की उम्मीद भी बढ़ी है। भंवर, क्या कहेंगे इसको लेकर? और बिल्कुल देखिए जयती, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में जो बीजेपी की दूसरी सूची आने वाली है उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और करीब करीब सारा होमवर्क जो है वो कर लिया गया है। और इसी बीच में उस सूची के जारी होने से कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोटा संभाग में आ रहे हैं तो उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जाहिर तौर पर जो दावेदार हैं वो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपको माफी के साथ एक बार रुकना चाहूंगी, दर्शकों को तस्वीरें पहले दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया, सबसे पहले तस्वीरें एयरपोर्ट से दर्शकों तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, लोगों की आवाजाही तो थी ही, लेकिन साथ ही साथ प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके जेपी नड्डा पहुंचे हैं, मीडिया से या बातचीत करते हैं या मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, लेकिन संभवतः वो जवाब समय नहीं देंगे, क्योंकि जो कार्यक्रम था उससे थोड़ी सी देरी के साथ ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। संभवतः अब सीधे जहां पर सभा होगी वहां पर निकलेंगे, माफ कीजिएगा, जो जहां पर बैठक होने वाली है वहां पर पहुंचेंगे और बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ वो विश्लेषण करेंगे, जांचेंगे, परखेंगे। तस्वीरें सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि हर एक एक्टिविटी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जब वो तस्वीर पहुंची होगी, जब 41 नाम घोषित किए गए होंगे, हालांकि वो ब्रेव लिस्ट थी, ब्रेव लिस्ट को इसलिए कहा जा रहा है कि उसमें नए एक्सपेरिमेंट्स, नए प्रयोग किए गए हैं, प्रयोग कितने सिद्ध हो पाते हैं, परिवर्तन कितना कारगर होता है, ये समय बताएगा, ये 3 दिसंबर की तारीख बताएगी, लेकिन उससे पहले कोशिशों में कोई कमी नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं। देखिए तस्वीरें पूरे लवाजमे के साथ में अब वहां से गुजर चुके हैं। भंवर हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, एयरपोर्ट से तस्वीरें दिख गई है दर्शकों को, सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर निकल चुके हैं जेपी नड्डा, सीधा वहीं पहुंच रहे हैं जो जगह आप बता रहे हैं, वहीं पर कार्यकर्ताओं के साथ पहली बैठक उनकी होगी।
बिल्कुल जयती, अगले 5 से 10 मिनट के अंदर डीसीएम रोड पर जो होटल लोटस अनंता एलीट है जिसके गेट पर फिलहाल मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं। इससे पहले एयरपोर्ट पर उनकी अगवानी करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, झालावाड़ से सांसद दुष्यंत सिंह, कोटा के विधायक संदीप शर्मा, विधायक कल्पना देवी, विधायक चंद्रकांता मेघवाल और जो संगठन के पदाधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष सी पी जोशी के साथ जेपी नड्डा फिलहाल कोटा पहुँच चुके हैं और कोटा एयरपोर्ट से फिलहाल वो रवाना हो चुके हैं होटल लोटस अनंता एलीट के लिए। और चलिए मैं जयती सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूं कि किस तरह की तैयारियां यहां होटल परिसर में हो रही है। ये आप देखिए बीजेपी महिला मोर्चा की पदाधिकारी हैं जो कि जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष एंटर करने वाले हैं वहां दोनों तरफ आप देखिए कि स्टेज पर कतारबद्ध खड़ी होकर के और उन पर गुलाब के फूलों की बारिश करेगी। तो एक वार्म वेलकम जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का करने की यहाँ इस वक्त कोटा के होटल लोटस अनंता एलीट में तैयारियां हो रही है। और आप देखिए जो यहाँ पर कार्यकर्ता है, महिला कार्यकर्ता है, उनका उत्साह तो आप उनके चेहरे पर देख ही पा रहे हैं, लेकिन आप देखिए किस तरह की जो तख्तियां हैं वो भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने हाथ में थाम रखी है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के लिए अभिनंदन करती तख्तियां यहाँ पे उन्होंने पकड़ रखी है। और प्रताप सिंह सिंघवी विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। सिंघवी साहब, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, बड़ा जमावड़ा है, तो कितना उत्साह कार्यकर्ताओं में और जाहिर तौर पर बीजेपी की दूसरी सूची से पहले उनका आना, उनका बैठक लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है? हाड़ौती के सभी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और वो आप देख भी रहे हो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से हाड़ौती में रिकॉर्ड बनाती आई है, फिर से रिकॉर्ड बनाएगी, ये क्लीन स्वीप होगा, कांग्रेस यहाँ से एक तरह से समाप्ति हो जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गृह अंचल है सिंघवी साहब, क्या वो भी रहेंगी बैठक में? वसुंधरा जी का मुझे जानकारी नहीं है कि वो उनके साथ है या नहीं है, पर उनके होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता हम सब वसुंधरा के कमल के फूल हैं। कौन कौन से कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हैं झालावाड़ से? विधायक भी जाहिर तौर पर पहुंचे होंगे। एमपी साहब आए हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या एमपी साहब आए हुए हैं, दुष्यंत सिंह जी आए हुए हैं और भी लोग आए होंगे, हम सब 12 से हैं। प्रताप सिंह सिंघवी विधायक, जिनसे हमने आपकी बात करवाई, झालावाड़ 12 से बीजेपी के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी पहुंचे। और जैसे मैं आपको बताऊं कि दो चरण में ये पूरा संवाद रहने वाला है। पहले चरण में कोटा और बूंदी जिला जो कि मिलकर के एक लोकसभा क्षेत्र बनता है, वहाँ के करीब 125 पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष संवाद करेंगे। करीब 1.5 से 2 घंटे ये संवाद चल सकता है। दूसरे दौर में, दूसरे चरण में जो झालावाड़ 12 लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से सांसद दुष्यंत सिंह पहुँचे हैं, झालावाड़ के सभी विधायकों को, पूर्व विधायकों को, महापौर, पूर्व महापौर, मोर्चे और प्रकोष्ठ के पदाधिकारी, संगठन के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष, उनको लेकर के पहुँचे हैं। करीब करीब 100 उनकी तादाद बताई जा रही है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में वहीं 225-250 नेता और कार्यकर्ता रहेंगे जो पहले से लिस्टेड हैं, केवल उन्हीं को अंदर एंट्री दी गई है, मीडिया अंदर नहीं रहेगा, इस बात की सूचना मीडिया को पहले ही दी जा चुकी है। और यहां लंच करने के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों लोकसभा क्षेत्रों का तापमान मापने के बाद, दूसरी सूची से पहले गहन मंथन और एक तरह से संवाद करने के बाद यहां से वापस अजमेर के लिए रवाना होंगे, इस तरह का कार्यक्रम है। लेकिन देखिए खास बात तो यह है क्योंकि जब जब इस तरह की बैठकें होती है और बैठकें डैमेज कंट्रोल के लिए होती है, मेंटली प्रिपेयर करने के लिए होती है, तो हर एक व्यक्ति की उपस्थिति और खासतौर पर जो बड़े चेहरे हैं पार्टी के, उनकी उपस्थिति बेहद जरूरी और लोगों के ध्यान का केंद्र हो जाती है। लोग ढूंढते हैं उन तस्वीरों में कि अगर चलिए कोटा पहुंचे, झालावाड़ अंचल पहुंचे तो वसुंधरा राजे तस्वीरों में नजर आएंगी, वो पहुंचेंगी, लेकिन उनकी अनुपस्थिति, हालांकि किस भी वजह से होगी, कोई वैलिड रीजन ही मेरे ख्याल में इसके पीछे होगा, उनकी अनुपस्थिति को भी यहां पर जो दूसरी पार्टियां हैं खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, वो उठाएगी, या फिर अनुपस्थिति के और भी कोई मायने आपको लगते हैं, या फिर ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें उनको कोई काम होगा वो नहीं पहुंच पाई होंगी, क्या लगता है इस पर? देखिए जयती, बीजेपी की पहली सूची में ऐसा नज़र आया कि एक तरह से उलटफेर नज़र आया, ऐसे बहुत से नाम देखने को मिले जिनके बारे में पहले कयास नहीं लगाए जा रहे थे। बहुत से जगह पर बीजेपी ने हैरतअंगेज ढंग से अपने प्रत्याशी बदले हैं। हाड़ौती अंचल की एक भी जो 17 कुल मिलाकर के यहाँ विधानसभा सीटें हैं चारों जिलों में मिलाकर के, अभी एक भी सीट पर बीजेपी ने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। चलिए बाद में करेंगे जयती, फिलहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का काफिला डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता एलीट पहुंच चुका है। इस वक्त कार में राष्ट्रीय अध्यक्ष सवार है और देखिए किस तरह से यहां पर जो बीजेपी की महिला
महिला कार्यकर्ता है वो इस वक्त उनकी कार पर पुष्प वर्षा कर रही है, उनका अभिनंदन कर रही है, उनका स्वागत कर रही है। और देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष इस अगुवानी को स्वीकार करने के लिए कार से बाहर निकल रहे हैं। जेपी नड्डा ने हाथ जोड़ करके सभी यहाँ पर जो खासतौर पर महिला मोर्चा की पदाधिकारी और कार्यकर्ता जुटी है उनका अभिनंदन स्वीकार किया है हाथ जोड़ करके। जिंदाबाद की यहाँ पे नारे लग रहे हैं और जेपी नड्डा यहाँ पर इस भीड़ के बीच में कार से उतर करके नीचे उतरे हैं अपनी कार से और चल करके यहाँ से गुजरने की शायद उनकी तैयारी है। और लगातार इस बीच में उन पर जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं वो पुष्प वर्षा कर रही है, बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता हैं। और यहाँ चलते हुए जेपी नड्डा लगातार अब होटल लोटस अनंता एलिट के एंट्री गेट की तरफ बढ़ रहे हैं और इस वक्त जोरदार स्वागत उनका दोनों तरफ कतारबद्ध होकर के और फूलों की बारिश कार्यकर्ता जो है वो लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कर रही है। और जेपी नड्डा हाथ हिला करके इस वक्त अगवानी कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। कोटा में एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं और इस बीच में आप देखिए कुछ दावेदार जो हैं उन्होंने भी उनसे मुलाकात करने का प्रयास किया है, कुछ उन्होंने अपना रिज्यूम देने का प्रयास किया है लेकिन उसे उनको सुरक्षाकर्मियों ने फिलहाल परे कर दिया है। तो लगातार आप देखिए पुष्प वर्षा दोनों तरफ से जेपी नड्डा पर हो रही है और इस वक्त प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जेपी नड्डा के साथ नजर आ रहे हैं और लगातार जेपी नड्डा दोनों तरफ की जो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता जुटी है उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनकी अगवानी स्वीकार करते हुए हाथ हिलाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और अगले कुछ ही क्षणों में वो होटल लोटस अनंता एलिट की उस बैठक के प्रवेश द्वार के गेट पर पहुंच जाएंगे। चलिए फिलहाल होटल के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दाखिल हो रहे हैं और एक जोरदार स्वागत उनका वार्म वेलकम यहाँ पर जो बीजेपी की महिला मोर्चा की कार्यकर्ता है उन्होंने यहाँ पर किया है। और होटल लोटस अनंता एलिट के अंदर फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दाखिल हो चुके हैं और कुछ देर बाद ही जो बैठक का दौर है वो यहाँ पर शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को लगातार यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, बैठक का ब्यौरा उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल होटल लोटस अनंता एलिट के रिसेप्शन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंच चुके हैं, यहाँ पहले से कुछ बीजेपी के नेता मौजूद हैं उनसे भी वो भी यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिलहाल अंदर जहाँ बैठक होनी है बैठक कक्ष में फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बाकी सभी साथी नेताओं के साथ इस वक्त दाखिल हो रहे हैं और कुछ देर में ही कोटा और बूंदी लोकसभा क्षेत्र के करीब करीब जो 9 विधानसभा क्षेत्र है उन सब इलाकों से जुटे हुए जो पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनके साथ वो बैठक करेंगे। लेकिन इससे पहले वो ऊपर रेस्ट रूम की तरफ जा रहे हैं, यानी बैठक में अभी समय है, पहले रेस्ट रूम में जाएंगे, कुछ देर विश्राम करेंगे, इसके बाद शायद वापस बैठक कक्ष की तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लौटेंगे। जी जयती, बिल्कुल भंवर आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन चलिए ये तो बात हो गई भंवर उन तस्वीरों की जो कि खासतौर पर जो बीजेपी के प्रशंसक है, जो जनता चाहती है, जो एडमायर करती है कि कितने भव्य तरीके से स्वागत किया गया, पुष्प वर्षा की जा रही है। लेकिन जब बैठक होगी और कोई भी बैठक जब समीक्षात्मक तौर पर की जाती है भंवर, तो उसमें सबसे पहले चुनौतियों को समझा जाता है, चैलेंजेस को समझा जाता है। जब अजमेर और कोटा की और खासतौर पर कोटा का आप जिक्र कर रहे हैं, कोटा में सबसे बड़े चैलेंजेस, सबसे बड़ी चुनौतियां इस समय भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या है भंवर? तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में तो आप देख रहे हैं कि कितना गर्मजोशी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया गया, जीत का मंत्र देंगे, जीत के मंत्र के साथ में मेंटली प्रिपेयर भी अगली सूची के लिए, क्योंकि अपेक्षा जब जब टूटती है। और ये पॉसिबल भी नहीं है कि जिन लोगों की अपेक्षाएं हैं सभी की एक्सपेक्टेशन किसी लिस्ट में पूरी हो पाए। कभी ना कभी किसी विचारधारा के लिए, पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए हम सभी ने अपने आप को उस कटघरे में रखकर देखा है जब अपेक्षाएं टूटती है लेकिन फिर उसको लेकर के ज्यादा दूर तक आवाज ना जाए, जैसा कि हमने पहली सूची में देखा। तमाम सारी चीजों का ब्यौरा आलाकमान, शीर्ष कमान के पास में है और उसको लेकर के वो चाहते हैं कि सेफ साइट, क्योंकि देखिए जितने प्रयोग करने थे संभवतः 41 नामों की उन सूची में बड़े प्रयोग किए गए हैं। दूसरी सूची जो अब आएगी उसमें विनिबिलिटी पर जो कांग्रेस का ध्येय रही है उस पर ही, उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी भी जिताऊ उम्मीदवारों पर, कैंडिडेट्स पर अपनी योजना बनाने की कोशिश में है। ये हाइपोथेटिकल बातें हैं कि क्या होगा, कब होगा, किस तरह से किया जाएगा, लेकिन विश्लेषण सिर्फ मात्र इतना है कि जो भी हो उसमें किसी भी तरह का मतभेद और मनभेद सार्वजनिक तौर पर नजर ना आए। अगर होता है तो देखिए लोग विद्रोह करते हैं, लोग
प्रदर्शन करते हैं, कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनके जो जिन्हें वो समर्थन दे रहे हैं वो उनको टिकट मिलेगा, लेकिन जब टिकट नहीं मिलता तो ये तो सभी दलों में मेरे ख्याल में होता है, लेकिन ज़्यादा दूर तक वो आवाज़ ना जाए इसको लेकर के कोशिश राष्ट्रीय अध्यक्ष से ज़्यादा अच्छी कोई नहीं कर सकता। उनकी कोशिश कितनी सार्थक होती है ये दूसरी सूची आने के बाद भी कुछ हद तक साफ हो जाएगा, और साथ ही 3 दिसंबर को, लेकिन खासतौर पर 25 नवंबर को सभी की किस्मत का फैसला उस EVM मशीन में कैद हो जाएगा। कोटा पहुंचे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा, लगातार राजस्थान के दौरे जारी है। ये तो तब जब प्रत्याशियों की अब घोषणा होनी है, जब सूचियों पर मंथन किया जा रहा है, सूची सामने आएगी और फिर बेहद कम समय रह जाएगा। ये सभी जनता के बीच में पहुंचेंगे, जिन्हें टिकट मिला है वो जनता के बीच पहुंचेंगे, अपने काम, अपने विजन, अपनी प्राथमिकताओं को, अपनी प्रायोरिटीज को लेकर के, और फिर बताएंगे कि हमें क्यों चुना जाए, हमें वोट क्यों दिया जाए। अगर हमें वोट देंगे तो हम आपका ये काम करवाएंगे, हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे, हम आपके बच्चों के भविष्य के लिए काम करेंगे, तमाम सारी चीज़ें होंगी। और तब भी शीर्ष चेहरे राजस्थान में आपको दिखते रहेंगे, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी बयार है, और चुनावी बयार के बीच ये कोटा से दो अलग अलग तस्वीरें, जब JP नड्डा एक बार फिर से मरुधरा में पहुंचे और अब एक तरीके से चुनावों के समय में उनका दूसरा घर ये हो चला है राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खासियत वो बूथ की मजबूती में विश्वास रखती है, वो हर संगठन हर मोर्चे की मजबूती में विश्वास रखती है, और बूथ जब मजबूत होता है, संगठन मोर्चे जब मजबूत होते हैं, जब प्रभावशाली होते हैं, तो ज़मीनी चैलेंजेस, ज़मीनी पर्क्स एंड कॉन्स दोनों सभी के सामने होते हैं। आलाकमान के पास में पूरी रिपोर्ट होती है, कहाँ पर आप बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहाँ पर आप संतोषजनक प्रदर्शन कर रहे हैं, और कहाँ पर आप सामान्य से भी कम प्रदर्शन कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फोकस उन्हीं सीटों पर होता है जो सबसे अच्छे प्रदर्शन की और सबसे खराब प्रदर्शन की होती है, जिसमें सबसे अच्छे प्रदर्शन में कोई सेंधमारी ना कर ले, सीट को ले ना जाए, और दूसरी सबसे बड़ी बात जिनमें सबसे कमज़ोर प्रदर्शन है उसमें क्या कारण रहे उसको ठीक करने के लिए कोशिशें लगातार हर दल की ओर से जारी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।